मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामीर मर जाएगा बाबा। इश्क मुर्शिद के एपिसोड 24 का प्रोमो आज हम देखने वाले हैं भाई। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका। अभी गो कड़क कड़क सब्सक्राइब करें हम टीवी को क्विकली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इश्क मुर्शिद का प्रोमो शुरू हो चुका है। लास्ट एपिसोड हमने अभी जस्ट फिनिश किया और नया प्रोमो शुरू किया। और मेरे ख्याल से फजल बख्श का ही हो गया। क्या नाम है तेरा यार? भले अच्छा मैं अब भले हो गया। हाँ मेरा नाम फजल बख्श, तेरा दोस्त जो ले गया, मुंह उठा के चले आते हैं, बदलते भी नहीं है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, बट शामीर मर जाएगा बाबा। अगला एपिसोड पूरा इमोशनल होने वाला है और ज्यादा। भाई साहब, भाई मुझे ना वो लाइन बहुत गड़बड़ लग रही है जो बोली है उन्होंने। कौन सी? मुझे ये तो नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं, लेकिन शामिल मर जाएगा पापा। ये लाइन कुछ ट्रिकी लग रही है मुझे। वो ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है मुझे। हैप्पी एंडिंग होना चाहिए इसकी। मुझे अभी से धक धक हो रही है क्योंकि शामिल के कैरेक्टर से हम इतना ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, उसे इतनी एक मोहब्बत ही हो गई, समझिए अटैचमेंट कह लो, कि यार हम नहीं चाहते कि वो उसके साथ कुछ गलत हो या फिर। चलो फजल बख्श का तो यहाँ पे एंड कर दिया उन्होंने, आज का एपिसोड फाइनल था। इसके बाद अब फजल बख्श दोबारा हमको देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन शामिर भी अगर चले गया तो भाई फिर तो गेम ओवर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जो भी हो। सच में से अचानक से मेरे को जो सोचा ना मैंने इस लाइन के ऊपर, तो मेरा अचानक से मेरा दिल धक धक कर रहा है बहुत ज़्यादा। हैप्पी एंडिंग होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। करवा लो यार भाई, वो बंदा बहुत प्यार करता है, वो अमीर से गरीब बना है उस लड़की के लिए यार। यार वैसे महरीन तो उसकी शर्त हार चुकी है यहाँ पर, क्योंकि शिब्रा एक्सेप्ट कर रही है उसको, उसके पापा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसको, है ना? बात तो सही है, महरीन तो शर्त हार गई। और ये महरीन ने चीटिंग करी है शर्त जीतने के लिए, उसके पापा को, दाऊद अली को बता के। तो ये अली अगर चीटिंग का पता चल जाए और ये सब हो जाए तो भी वो शर्त से मुकर सकता। फिर अब ये दिक्कत है कि मेरिन के पापा उसको फिर वो फंड नहीं देंगे चुनाव के लिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर ये फजल बख्श यार, इसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, हो सकता है कुछ ट्रिक खेले और इलेक्शन जीत जाए और प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए। ये लास्ट एपिसोड तक इसको प्राइम मिनिस्टर तो बनते हुए दिखाना ही चाहिए, और उसको शिप्रा के साथ दिखाना ही चाहिए। आई गेस सो। अगले एपिसोड में तो भाई मंथन चलने वाला है, उधर उसका बाप अपने तुक्के लगा रहा होगा, इधर उसका बाप शांति से बैठा हुआ है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और इधर ये दोनों भी आपस में। और फिर वो शिप्रा अपनी फीलिंग्स बता रही कि हाँ मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या मर जाऊंगी, मतलब मेरा इतना प्यार है कि नहीं मुझे पता नहीं है, ऐसा बोल रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने जाना है उसका प्यार इतना है कि वो जिंदा नहीं रहेगा, ये क्लियरली यहाँ पर शिवरा समझ चुकी है अब कि हाँ भाई उसका प्यार तो है इतना। तो मेरे को तो रोना आ रहा है नहीं नहीं यार जिंदा रहेगा बंदा। तो बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा आज का? अगर आप लोगों ने ऐसी कोई स्टोरी बनाई भी हो ना, मेकर्स से रिक्वेस्ट है, हम टीवी के जो भी मेकर्स है शो के, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर बनाई भी है ना तो हम इंडियन फैंस की इतनी सी रिक्वेस्ट मान लेना, हम इंडियन फैंस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई चेंज करके कुछ तो जुगाड़ तिकड़मबाजी कर दो, इंडिया में जुगाड़ होता है वो जुगाड़ लगा दो उसको जिंदा रखने के लिए बस, एंड हैप्पी एंडिंग करवा दो बस यार, कि हम ऐसे रोते रोते हंसे ऐसी एंडिंग करवा दो, मतलब हंसने वाला रोना होना चाहिए, खुशी के आंसू है में रोने वाला गम वाले आंसू नहीं होने चाहिए कि साला यार दिल भारी हो जाए, वो वाला सीन मत करना प्लीज यार। तो बताया कैसा लगा आज का रिएक्शन? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।